हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं माय लवली लायर की एपिसोड 9 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, डोहा सोली को योमजी के बारे में बता रहा होता है। कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं डोहा की ग्रेजुएशन सेरेमनी का, जहां पर उसने योमजी के साथ अपने फोटोज भी क्लिक कराए थे। फिर डोहा का सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, तो वो जा रहा था, तो योमजी उसको रोक रही थी। बट फिर वो उससे कहती है कि ये जो रिंग है इसको प्लीज करी मत निकालना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डोहा योमजी से मिलने के लिए आया हुआ था, तो योमजी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। बट डोहा मना कर देता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। तो योमजी उससे कहने लगती है कि तुम्हें फिर हर हफ्ते यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आना होगा। बट डोहा कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो फिर मैं अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत सारे लेसन्स लेने होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी बात उनके योमजी को लगता है कि अभी मुझे धोखा दे रहा है और वो अपने हाथ की नस काटने लगती है। बट डोहा उसको रोक देता है और फिर योमजी उससे कहने लगती है कि तुम मेरा ड्रीम हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं, वहां पर योमजी डोहा का फोन यूज कर रही थी और उसने उसकी जितनी भी फ्रेंड्स थी उन सबको ये मैसेज कर दिया था कि इससे बात मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और डोहा ये सब कुछ देख लेता है, वो अपना फोन भी छीन लेता है और योमजी पे चिल्लाने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बट योमजी भी कहती है कि तुम उन सबसे अच्छे से बात करते हो, मुझसे नहीं करते हो, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर आते हैं वो दोनों समुद्र के किनारे होते हैं और वहां पर डोहा बिल्कुल योमजी से परेशान हो गया था और वो उससे कहता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। बट योमजी उससे मना कर देती है कि हम ब्रेकअप नहीं कर सकते, तुम मेरा ड्रीम हो, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हो, क्या वहां पर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है। अब डोहा योमजी से तो अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा था, तो वो बोल देता है कि हाँ वहां पर कोई और लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ। उसकी बात सुन के योमजी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उससे पूछने लगती है कि वो कौन है, कहाँ पे रहती है। और उसकी इन सब हरकतों से डोहा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो वहां से जाने लगता है। तो योमजी कह रही थी कि मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी, और वो अपने हाथ की नस काटने भी लगती है। तो डोहा आके उसके हाथ पर अपनी शर्ट बांध देता है, मगर योमजी इतने में डोहा का फोन निकाल लेती है उसकी जेब में से और कहने लगती है कि वो लड़की कौन है, मैं अभी देखती हूँ उसको। उसकी बात सुन के डोहा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उससे अपना फोन भी छीन लेता है, अपनी शर्ट भी ले लेता है और वहां से जाने लगता है। बट योमजी उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो उससे कहने लगती है कि मैं उससे भी अच्छी लड़की बन के दिखाऊंगी, मैं उससे भी अच्छी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। तो डोहा भी गुस्से में था, वो कहता है कि ठीक है तुम्हें मरना है तो मर जाओ, फिर वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे डोहा को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है, वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें योमजी के खून के इल्जाम में पकड़ा जा रहा है। और वहां पर डिटेक्टिव डोहा से पूछ रहा था कि क्या उसने ही योमजी को मारा है, तो डोहा हाँ बोल देता है कि हाँ मैंने उसको मारा है। फिर इंस्पेक्टर उससे और भी क्वेश्चन करने लगता है, मगर डोहा कोई आंसर नहीं देता और रोने लगता है। फिर दिखाते हैं डोहा से मिलने के लिए उसकी मॉम आती है, वो उससे कहती है कि तुमने ये क्यों कबूला कि तुमने उस लड़की को मारा है, ये टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैं अपने लॉयर को भेज रही हूँ, तुम अपना स्टेटमेंट अभी चेंज कर सकते हो क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। तो यही सारी बात डोहा सोली को बता रहा था कि मुझे उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरी वजह से वो मर गई। उसकी बात सुन के सोली कहती है कि इसीलिए तुम जब भी बोल रहे थे तो वो झूठ सुनाई दे रहा था, क्योंकि अंदर से तो तुम्हें यही फील होता है ना कि वो तुम्हारी वजह से मरी है, तुमने उसको मारा है, मगर सच्चाई तो ये नहीं है, सच तो ये है कि तुमने उसको नहीं मारा है। फिर डोहा उसको बता देता है कि तुम्हारी जान को भी योमजी से खतरा हो सकता है, और वो 5 साल पहले का इंसिडेंट बता देता है कि उस बस में तुमने मेरी हेल्प की थी और तुमने योमजी को बस से उतार दिया था। उसके बाद सुन के सोली कहने लगती है कि मुझे उस सब के बारे में तो कुछ याद ही नहीं था, मगर तुमने पहले मुझे ये बात बताई नहीं। फिर सोली डोहा से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे घर के साइड में ही आ जाना चाहिए, वहाँ पर मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूंगी। और फिर जब सोली वहाँ से जा रही थी तो डोहा उसको जाने से रोक लेता है कि शायद योमजी अभी बाहर ही हो, तो आज रात तुम यहीं पर सो जाओ। फिर वो सोली को रूम दिखा देता है और सोली उससे कहने लगती है कि मुझे सोने के लिए कोई टी शर्ट वगैरह चाहिए, तो डोहा उसके लिए एक फुटबॉल टी शर्ट लेके आता है। फिर रात को सोली को उस बेड पे नींद नहीं आ रही थी, तो वो डोहा के साथ मैसेज करने लगती है और फिर वो डोहा से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर डोहा सोली के साथ मिलकर डिनर बनाता है। फिर दोनों एक फुटबॉल मैच देखने के लिए बैठ जाते हैं और वहाँ पर सोली डोहा को बताती है कि वैसे तो मैच मैंने अपने डैड की वजह से देखने स्टार्ट किए थे, मगर अब मुझे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर वो दोनों मैच देखते देखते ही सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब सोली उठती है तो वो डोहा को सोते हुए देख के सोचने लगती है कि कितना हैंडसम लग रहा है, और वो जैसे जा रही थी उसका पैर फिसलता है, वो एकदम से डोहा के ऊपर जाकर बैठ जाती है। इतने में डोहा भी उठ जाता है, वो जब सोली को ऐसे बैठा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वहाँ पर एक वीडियो चलने लगती है कैंपिंग की, उसको देख के सोली कहने लगती है कि मैं बचपन में एक बार कैंपिंग के लिए गई थी और मुझे कैंपिंग पे जाने से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर दिखाते हैं सोली की मॉम सोली से मिलने के लिए आई थी, और फिर जब उनको सोली नहीं मिलती तो वो कैफे में चली जाती हैं, और वहां पर वो किसेंड्रा और चियून से पूछने लगती हैं कि सोली आजकल किसी को डेट कर रही है क्या।
दूसरी साइड दिखाते हैं। दोहा की मॉम को बताया जाता है कि एक डिबेट शो है और वहाँ पर उनसे अजीब टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो क्या वो सबको मैनेज कर लेंगी। फिर दिखाते हैं दोहा सोली को एक कैंपिंग साइट पे लेके आता है और सोली उससे कहने लगती है कि हमारे पास तो कैंपिंग का कोई सामान भी नहीं है। इतने में दोहा ने वहाँ पर एक गाड़ी मंगवा ली थी और वहाँ पर सारा कैंपिंग का सामान था। फिर दोनों जैसे तैसे करके वहाँ पर अपना कैंप लगा ही लेते हैं और रात को दोहा सोली से पूछने लगता है कि पहले तो मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और अब तुम्हें मुझ पर बिलीव होने लगा है। तो सोली उसे कहने लगती है क्योंकि अब मैं अपने कानों से ज्यादा तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। और देखो हम 5 साल पहले भी मिले थे, फिर तुम मेरे नेबर बन गए और हम अब यहाँ पर एक साथ भी बैठे हैं। तो दोहा कहने लगता है कि ये हमारी डेस्टिनी ही है। फिर दोहा सोली से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे तो शायद वो अगर सच भी बोल रहा हो मगर बाद में तो वो अपना माइंड चेंज कर सकता है ना। तो सोली कहती है कि मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि वो उस टाइम पर ही ध्यान दे, मैं उनसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछवाती हूँ कि जिसके एकदम प्रिसाइज आंसर हो। और तभी एकदम से दोहा सोली से बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फिर दोनों किस करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं सीईओ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और वहाँ पर वो दोहा को मैसेज भी कर रहा था कि वो आजकल कहाँ है, बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। और तभी दिखाते हैं सीईओ की वाइफ भी किसी को मैसेज कर रही थी और उधर से रिप्लाई आ रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो सीईओ की वाइफ ने रिप्लाई कर दिया था कि अभी अब मैं अपने हस्बैंड के सोने के बाद तुमसे बात करती हूँ। और इतने में उनकी बेटी रोने लगती है तो सीईओ की वाइफ अपनी बेटी को ले जाती है और सीईओ तभी अपनी वाइफ का फोन ऐसी देखने लगता है तो उसको वो सारे मैसेज दिख जाते हैं कि कोई उसको ऐसे बात कर रहा है। फिर दिखाते हैं चुरोक और ओबेक एक बार में होते हैं। वहाँ पर चुरोक ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो एक अजीब सा डांस करने लगती है। वैसे तो ओबेक उसको रोक रहा था मगर फिर वो देखता है कि सब लोग उस पर ऐसे हंस रहे हैं तो वो भी चुरोक के साथ जाके डांस करने लगता है और फिर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि दोनों कितना अच्छे से डांस कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं साजियोन एक बार में होती है और वहाँ पर उसके साइड में एक आदमी आके बैठ जाता है और साजियोन उससे कहने लगती है कि कोई है जो मुझे पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ मुझे एक सिंगर के रूप में देखता है मगर वैसे मुझे पसंद नहीं करता है। तभी वहाँ पर वो देखती है कि एक म्यूजिकल शो चल रहा है तो वो वहीं पर पहुंच जाती है और गाना गाने लगती है। फिर दिखाते हैं कांगमिन अपने कलीग के साथ था और उसका कलीग वही न्यूज़ देखने लगता है जिसमें दोहा कल्प्रिट था और वो उसको मर्डरर बोल रहा था। बट कांगमिन कहने लगता है कि अभी वो मर्डरर नहीं है, अभी वो सिर्फ एक सस्पेक्ट है, तुम तो एक पुलिस वाले हो, तुम्हें तो इतना डिफ्रेंशिएट करना ही चाहिए। तो उसका कलीग कहने लगता है कि वैसे तो वही होगा, उसने उस लड़की को मारा होगा क्योंकि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और जब से वो लड़की गायब हुई है उससे पहले ही उन दोनों की एक बहुत बड़ी सी फाइट भी हुई थी। और तभी वो कांगमिन को दोहा का फेस दिखा देता है कि यही वो लड़का था और ये इतना फेमस भी था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसके लिए फैन क्लब भी बन गए थे। जैसे ही कांगमिन दोहा का फेस देखता है उसको एकदम से याद आने लगता है कि ये तो वही है जो सोली के साथ था। फिर दिखाते हैं सोली और दोहा अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं और दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था और सोली अपने अपार्टमेंट में जाने से पहले एकदम से दोहा को किस कर देती है और फिर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। फिर दिखाते हैं योमू उसी रिपोर्टर से मिलता है, उसे कहने लगता है कि अब रिपोर्टर्स ने दोहा के घर जाना भी बंद कर दिया है। वो रिपोर्टर कहने लगता है कि वहां पर जाके दोहा का कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी वो कहीं और रह रहा है, तुम्हें साजियोन का पीछा करना चाहिए, उसको पता है कि दोहा कौन है और कहाँ पर रहता है। फिर दिखाते हैं साजियोन सॉन्ग गा रही थी तो उसका मैनेजर आ जाता है, उसको वहाँ से ले जाता है और जब साजियोन अपने पार्किंग लॉट में थी तभी उसको योमू किडनैप कर लेता है। उसको देख के साजियोन कहने लगती है कि तुम वही हो ना जिसने दोहा पे हमला किया था। योमू उससे कह रहा होता है कि दोहा को तुम यहीं पर बुलाओ मगर साजियोन मना कर देती है कि मैं दोहा को यहाँ पर नहीं बुलाऊंगी और तुम्हें मारना है तो तुम मुझे ही मार दो, वैसे ही मैं मरने ही वाली थी। बट योमू उससे उसका फोन अनलॉक करा लेता है और दोहा को कॉल कर देता है। साजियोन चिल्ला भी रही होती है, दोहा से मना कर रही होती है कि यहाँ पर मत आना, बट दोहा योमू से कह देता है कि तुम जहाँ पर बुलाओगी मैं आ जाऊँगा मगर प्लीज़ साजियोन को कोई भी नुकसान मत पहुँचाना। फिर दोहा वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर उसको योमू ने बुलाया था और योमू भी वहीं पर आ जाता है। वो दोहा से कहने लगता है कि लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हूँ, पहला तो ये जब योमजी ने मुझसे बोला कि वो तुम्हें डेट कर रही है तो मैंने उसको तुम्हें डेट करने दिया, और दूसरा ये कि मैंने तुम्हें उस बस में वहाँ से जाने दिया। जब योमजी ने तुम्हें वो टेक्स्ट कर दिया था तुम क्यों गए। और फिर वो एकदम से दोहा को पंच कर देता है और उसको मारने लगता है और बार बार वो दोहा से पूछ रहा था कि तुमने योमजी को कैसे मारा, मगर दोहा उससे कहता है कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं जिनके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए मगर योमजी को मैंने नहीं मारा है। तो योमू कहने लगता है कि तो तुम ये कहना चाह रहे हो उसने खुद को अपने आप मार लिया। तो दोहा उससे कहने लगता है कि क्योंकि योमजी के लिए मैं एक ड्रीम था और जब मैंने उससे ब्रेकअप के लिए बोला तो उसने मुझसे कहा भी था कि वो अपने आप को मार लेगी, मुझे लगा था कि वो सिर्फ ऐसे ही बोल रही है, मुझे नहीं पता था कि वो सच्ची में अपने आप को मार लेगी। उसकी बात सुन के योमू कहने लगता है सिर्फ तुम ही तो थे उसके लिए, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो दोहा उससे कहता है कि मैं अकेला नहीं था, तुम भी तो थे ना उसके लिए, तुम उसके भाई थे
और फिर डॉ से कहता है कि मुझे जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि मैंने उससे क्या कह दिया था, और फिर वहां से जाने लगता है। मगर योमो तभी एकदम से चाकू निकाल लेता है और वो जैसे ही डोहा पे हमला करने ही वाला था कि तभी कांगमेन आ जाता है, वो डोहा को बचा लेता है। फिर दिखाते हैं सोली वो मैसेज चेक करती है जो कांगमेन ने उसको सेंड किया था कि जब भी तुम इस मैसेज को देखो मुझे कॉल कर लेना, और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।